तो हेलो एंड नमस्कार भाई लोग। तो मेरा नाम है सौरभ कड़े और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो गाइज वीडियो हो चुकी है स्टार्ट और हमने पहला किल कर लिया है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा गेम प्ले वीडियो होने वाला है। इस समय विक्टर से गाइज बंदे पेलने वाला हूँ, विक्टर UMP ठीक है। तो दोनों ही गन से मैं आज बंदे पेलने वाला हूँ एंड फिर स्नाइपर से गाइज M24। तो इस वाले वीडियो में गाइज कुछ गंदे सीन मेरे साथ होने वाले हैं, कुछ गलत सीन मेरे साथ होने वाले हैं जो कि M24 से होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। तो चलते हैं एंड हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्टार्ट हो चुके हैं पर फिर भी, तो लेट्स गो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट एड कर रहा था वैसे ही मुझे बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। और यहाँ पे देखो, अगर मैं वहाँ पे फर्स्ट एड करते रहता तो ये लोग मुझे पेल देते, इससे अच्छा कि मैं इन्हें जाके पेलूँ। ये देखो, तो यहाँ पे देखना मैंने क्या किया। मुझे पता था गाइस कि बंदा वहाँ पे नहीं रहने वाला, वहाँ से बाहर निकलने वाला। तो मैं एक कंडीशन पे था कि वो जैसे बाहर निकलेगा मैं उस पर एम करूँगा, इसीलिए उसको एक मौका भी नहीं दिया मैंने गोली मारने का। तो यही बात है गाइस कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन बंदा क्या करने वाला है, ठीक है, तभी आप लोग उसे किल कर सकते हो। और यहाँ पे एक बॉट आ जाता है इसी बीच। और ये देखो, इस तरीके की पीक ही लेना है आप लोगों को, पूरी बॉडी नहीं दिखानी है, चाहे बॉट रहे चाहे कोई भी बंदा रहे। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बॉट था, तो मैंने पहले कह दिया था ये बॉट है करके। और जैसे ही गाइज इधर की तरफ, दोनों तरफ से मतलब सामने से भी फायरिंग शॉट्स आ रहे थे, पीछे से फायरिंग शॉट्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे बीच में पिचक चुका था। तो यहाँ पे मैं अंदर घुसा, वैसे ही मेरे को एक बंदा दिखा यहाँ पे। ये देखो, मैंने यहाँ पे पूरी बॉडी शो कर दिया हूँ, ठीक है। और वो बंदों ने अभी फाइट ली थी, तो उनकी हेल्थ वेल्थ तो आई थिंक थोड़ी सी कम थी एंड वो पैनिक हुए रखे थे, तो उन्हें कुछ समझा नहीं। यहाँ पे देखो, मैं बॉडी शो कर रहा था एंड फिर से छुप जा रहा था। तो इसी बीच में एक बंदा मैंने नॉक कर दिया, क्योंकि वेक्टर है गाइस डैमेज ज़्यादा देगी। तो यहाँ पे उसे नॉक कर दिया मैंने एंड अब देखो मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। एंड यहाँ पे मेरा गेम लैग हुआ पर बच गया मैं यहाँ पे जैसे जैसे, एंड उसका टीममेट था तो उसे भी मैंने दे दिया। तो वेक्टर से हमने इन दोनों को दे दिए गाइस। तो मैं पहले बता दूं गाइस, लॉबी नूब लॉबी नहीं है, क्योंकि बंदे नूब जैसा खेल रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें मौका ही नहीं दे रहा हूँ कि वो मुझ पर कुछ काउंटर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, वो कर ही इस तरीके की मूवमेंट्स रहा हूँ मैं कि बंदे, ये देखो उसे लग ही रहा है कि मैं अभी भी उधर ही किधर हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं रहता। तो ये देखो, इनके पास लूट कितनी तगड़ी थी। तो जिस किसी को भी ये देख के नूब लॉबी लग रहा होगा, तो गाइस वीडियो यहाँ से क्विट कर सकता है, ठीक है, मत देखो वीडियो। तो क्योंकि यार तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है तो क्यों देख रहे हो यार, भरोसा रखो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके बाद गाइस यहाँ से मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ। तो यहाँ पे ये सीन देखना क्या होता है। तो ये देखो यार, जो भी बंदा यार प्लैटिनम और डायमंड का रहा तो उसे पता होगा कि पैनिक होना कैसा रहता है। अगर कि ये बंदा प्लैटिनम और डायमंड वाला होगा तो ये देखो किस तरीके से पैनिक हुआ। देखो, मैं उठा तो फिर से गाड़ी में बैठ गया। और ये देखो, बंदे पे M24 DP28, मतलब क्या बोले अब यार इसे। बंदा हो चुका था पैनिक एंड वो उससे समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पे मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मतलब क्या हुआ, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, उतरा, मैं पहले उतरा, फिर से ड्राइविंग सीट पे बैठा एंड फिर से उतरा। तो इसमें वो हो गया कंफ्यूज एंड इसी चक्कर में वो मेरे पे एम ही नहीं ले पाया। तो यहाँ पे मैं, मतलब ये मेरे से गलती से वो बटन दब गया था ड्राइविंग सीट का, पर ये मेरे लिए अच्छा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं गाइस इधर की तरफ एंड जैसे कि जोन के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है। तो ये देखना, M24 हेड नॉक। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि डुओ सोलो भी डुओ है और दूसरा बंदा उसे रिवाइव भी दे रहा होगा, जैसे कि सब लोगों को पता है कि अगर एक बंदा नॉक होता है तो दूसरा रिवाइव भी देता है। तो अब ये रिवाइव दे रहा है यहाँ पे और डायरेक्ट मैं घुसने वाला हूँ। देखो, कई कई बंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ही जाना है तुम लोगों को अंदर में। एंड अंदर जाने के बाद पूरा चेकआउट कर लेना है कौन कौन बंदा कहाँ पे। एंड जैसे मुझे पता चला कि उसका टीममेट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसे हम लोग मार देते हैं। बेचारे के बहुत बेकार काम होता है यार। आसानी से मैंने 9 किल्स कर लिया हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, बिल्कुल आसानी से क्लचेस किया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद वो देखो, एक गाड़ी आ रही है जो कि मैं उस पर ट्राई करूँगा मारने की, पर नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो बहुत तेज़ चलती है। एंड देखो यार, कितना मतलब रिएक्शन टाइम नहीं दे पाते हम लोग। रेडमी नोट 4 डिवाइस पे आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मतलब दिखता तक नहीं है कि बंदे का हेड है कि क्या है, मतलब दिखता तक नहीं, इतने लो ग्राफिक्स रहते हैं गाइस हमारे, क्योंकि हमारा गेम होता है बहुत ज़्यादा लैग, सबसे लो ग्राफिक्स है और FPS तो यार सबसे लो है, अब क्या बताऊँ मैं। ये देखो, उसे हम लोगों ने हेड दिया यार। ये हेडशॉट क्या ग्लीच है पता नहीं यार,
जैसे उसे हेड पड़ता है वो हड़बड़ा जाता है एंड हम लोग उसे एक बॉडी शॉट पे किल कर देते हैं। तो यार ये हेड शॉट ग्लिच देखना यार, हेड शॉट मतलब M24 यार कुछ समझ में नहीं आता यार, M24 का हेड शॉट ग्लिच क्या है यार, ये फिक्स कर दो यार पबजी वाले जल्दी। करनेट डेट का तो पता है हमें पर M24 का हेड ग्लिच बहुत बुरा सीन है। तो इसके बाद यहाँ पे देखना, तो वो देखो बंदा, देखो यहाँ पे मैं हिल रहा था और मेरा जो क्रॉसर था वो ऊपर नीचे हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने हेड मिस कर दिया उससे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उसे कि वो जैसे ही बंदा पिक करे, पिक नहीं आई थिंक अगर खड़ा भी हो तो मैं उसे पेल दूंगा। तो ये देखो अब वो यहाँ पे बंदा दिख चुका है एंड ये हेड दिया था यार उसे M24 हेड शॉट ग्लिच, क्या है यार पता नहीं है मेरे को भाई साहब क्या है यार, इतना हेड दिया परफेक्ट हेड और मैं उसे अब जानबूझ के बाहर आया कि बंदा वो मेरे पे पीक ले करके मेरे को देखे ऊपर कर, पर बंदे ने पीक नहीं लिया, बंदा भी गए समझदार था जो कि मेरे प्लान में नहीं फंसा वो। तो उसके बाद गए मैं फिर से यहीं पर आ गया एंड वो लोग बंदे सामने आ चुके, वही बंदा है, उसी बंदे को मैंने सेकेंड टाइम हेड दिया। मतलब यार अब ये क्या सीन है यार, दो बार हेड देके अगर आप नॉक नहीं हो रहे हो, मतलब यार क्या सीन है ये M24 ग्लिच, अब मैं क्या ही बोलूँ यार से। तो मुझे यहाँ पे ऑम शॉट्स पड़ने लगे गाइस, मतलब मैं दोनों तरफ से पिचक चुका था, सैंडविच बन चुका था मैं, तो मेरे को लगा यहाँ से मैं निकल लूँ, तो बस यहाँ से मैं निकल लिया। एंड ये देखो और मैं भी यहाँ पे छुप गया, अब मैं देखो गाड़ी का कवर बना रहा हूँ जो कि मेरे को एंड में ये काम आएगा, देखना एंड में कैसे काम आता है। तो ये देखो मैं यहाँ पे स्काउट करूँगा, तो के बंदे यहाँ पे यार वो उनको रिज का कवर था, तो बंदे तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे थे, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा है, यहाँ पे देखना अब यहाँ पे मुझे एक बंदा सोया हुआ दिखा, मैं उस पर ट्राई करूँगा मारने की, पर उसको पहले शॉट जो है तो नहीं लगा एंड दूसरा ट्राई करूँगा तो दूसरा लग चुका है, उसे बॉडी पड़ चुका है एंड गाइस तीसरा पड़ेगा उसे हेड शॉट, तीसरा उसे हेड पड़ गया है, तो ये हेड शॉट अच्छे से गया और अब जाके नॉक हुआ। मतलब देख रहे हो तुम लोग कितनी देर बाद वो नॉक हुआ, मतलब क्या है यार इस दिन, पता नहीं पिंग प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है, गेम क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, जो कि ये देखो प्लेजोन से मर गया बेचारा। तो यहाँ पे हमारे हो चुके गाइस 11 किल्स, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे क्या सीन हो रहा है मेरे साथ आजकल, तो हेड शॉट दे रहा हूँ नॉक नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं। इसके बाद देखना कम से कम 3-4 हेड शॉट दे दिया था इस गेम में, फिर भी नॉक नहीं हो रहे बंदे लेवल 3 हेलमेट पे, M24 है यार, कार 98 नहीं है यार, मैं पहले M24 चलाता था यार जो कि मैं लेवल 3 भी हेड देता था तो नॉक हो जाते थे बंदे, ये देखना इसे भी लेवल 3 हेड पर फिर भी नॉक नहीं, भाई कितना फ्रस्ट्रेशन यार, कितना फ्रस्ट्रेटेड करवाओगे यार, मतलब एक ही बंदे को कितना पेलना, एक ही टीम को कितने हेड देना, अब तुम ही बताओ यार, एक ही टीम वालों को हम कितनी बार हेड दे यार, एक ही बंदा वो भी रेडमी नोट 4 जैसी डिवाइस पे, इतना लैग होने के बावजूद इतना अच्छा गेम प्ले यार, अब क्या बताएं हम भाई साहब। मतलब यार जिस किसी भी ने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले कर दो यार, क्योंकि तुम ही देखो यार कितना, मतलब कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, मतलब यार बंदे पेलने में, और यही अगर मेरे पे आईपैड रहता तो मतलब भाई साहब अब तो मार मार के भाई तो चुम्बर बना देते अब तक, तो जल्द से जल्द आईपैड लेने वाला हूँ मैं, तो यार वेट करना यार उसके लिए तुम लोग। अब देखना यहाँ पे मैंने गाड़ी का कवर लिया एंड देखो देखो अब देखो, ओ भाई साहब देखो यार फ्रस्ट्रेशन, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हुए हो गाइस तो आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा यार, कितना फ्रस्ट्रेशन यार तुम ही बताओ यार, मतलब इतने हेडशॉट देना बंदा नॉक नहीं होता, अब क्या करे यार, इतना फ्रस्ट्रेशन में गाइज मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तो मैं यहाँ पे हो चुका था गाइज पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई, तो आप लोग ये मत करना, फ्रस्ट्रेटेड मत होना गाइज, ठीक है। तो इस गेम प्ले से आई होप कि आप कुछ सीखे होंगे एंड गाइज मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप गाइज अगर टूर्नामेंट खेल रहे हो तो प्लीज़ गाइज M24 को कभी मत चलाना, ठीक है, कार 98 चला लो आप, अगर कार 98 से अगर आप लोगों को सामने लेवल 3 हेलमेट दिख जाता है तो स्प्रे करो उस पे, पर नहीं चलाना, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना था, आज की वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो वीडियो, तभी मेरा चैनल ग्रो होगा एंड आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज, एंड ये कि देखना मैं कैसे कर देता हूँ, पैनिक हो जाता है बंदा। तो आज की वीडियो में बस इतना, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।